Hello student, this is Sufyan Maimon, your teacher. In today's video we are going to talk about GCSE O level computer science. This is basically the introductory video. In this I'll be talking about the paper pattern, the components, the weightage of each paper and duration, and how much time you will be given in the paper, the syllabus, that means the chapters that we are going to talk about, and the recommended book by Cambridge, IGCSE or GCSE O level computer science. And then later on I'll be uploading more videos about the syllabus part, the content. So let's move on the computer screen, where we are going to look at the entire procedure of GCSE O level computer science. So let's move on now. So student, we are going to start the syllabus computer science 2210, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ द पेपर पैटर्न एंड द सिलेबस दैट विल बी दैट वी आर गोइंग टू कवर सून इंशाल्लाह. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ मेनी पेपर्स आर देयर. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट, और वी कैन से पेपर्स. ठीक है, सो वी हैव two papers here, paper 1 and paper 2. ठीक है, सो इन कंप्यूटर साइंस 2210 दिस इज द कोड. ठीक है, जिसमें हमारे पास दो पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 इज थ्योरी एंड पेपर 2 इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड programming. ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास दो पेपर हैं, क्योंकि ये सबसे पहले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि what they are going to prepare for. So there are two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 is all about theory, जिसमें हम कवर करेंगे short structured questions. ठीक है, लाइक 3 marks, 4 marks, 2 marks, 1 marks से क्वेश्चन आते हैं, तो वो इसके अंदर कवर किए जाएंगे. ठीक है, इट इज़ ऑफ 75 marks पेपर. पेपर 1 जो है वो 75 marks का है. टोटल मार्क्स जो है वो पेपर 1 के वो हैं 75, whereas P2 is of 50 marks. Achha, the time duration for the paper is 1 hour 45 minutes. And same goes here, the time duration is same, which is 1 hour 45 minutes. Take it. अच्छा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है दोनों पेपर्स में, नो कैलकुलेटर. नो कैलकुलेटर अनदर थिंग, अगर मैं P1 और P2 के हवाले से जो बात कर रहा हूँ, तो P1 जो है इज ऑल अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस. ठीक है, short answer and structured questions in paper 1. ठीक है, there is no choice. ठीक है, no choice, like every question is compulsory, no choice. Paper 2 के अंदर we have two sections, section A and section B. Section A is of 20 marks और जो है section B is of 30 marks. इस तरह से total marks हमारे पास हो जाते हैं 50. अब section A जो है वो 20 marks का, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो है एक paper होता है जिसको हम कहते हैं pre-release document. वो सारा का सारा एक डॉक्यूमेंट होता है प्री रिलीज, जो पेपर से पहले
रिलीज़ किया जाता है ताकि स्टूडेंट प्रिपेयर कर लें उस पेपर के लिए, और उसी पर जो है आपका एग्ज़ाम यानी सेक्शन ए डिपेंड करता है पूरा। आपके पास वो सेम पेपर जो है एग्ज़ाम में आता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वेयर एज इसमें हम कवर करते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ सूडो कोड से रिलेटेड चीज़ें, और इसमें डेटाबेसेस भी हमारे पास आता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 40% जो है वो पेपर टू का वेटेज है और 60% जो है वो पेपर वन का वेटेज है। तो टोटल वेटेज आपके पास इस तरह से बनता है 100%, ठीक है। यानी सेक्शन ए जो है वो 60% एंड सेक्शन सॉरी पेपर वन इज़ ऑफ 60% वेटेज एंड पेपर टू इज़ ऑफ 40% वेटेज। तो वाइल प्रिपेयरिंग वी नीड टू लुक एवरी आस्पेक्ट के यार पेपर वन कितनी देर का है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, और जो है क्या क्या इसके अंदर कवर किया जा रहा है, पेपर टू के अंदर क्या है। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया दैट हाउ द पेपर इज़ गोइंग टू बी। अब मैं आपको जो है वो सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरी में बताता हूँ कि पेपर वन के अंदर क्या चीज़ें कवर की जाएंगी और पेपर टू के अंदर क्या चीज़ कवर की जाएगी। जैसा हमने देखा कि पेपर वन जो है इट्स ऑल अबाउट थ्योरी, ठीक है। सो थ्योरी से रिलेटेड हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन। ये मैं आपको ब्रॉड कैटेगरी में लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको फर्दर जो है सब डिविजन है इसकी, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, फिर हमारे पास एथिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ब्रॉड कैटेगरी में टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर करेंगे। देयर आर टू रिकमेंडेड बुक्स जिसकी मदद से दीज टॉपिक्स आर गोइंग टू बी कवर्ड, ठीक है। तो एक तो हमारे पास जो है वो जो बुक है दैट इज़ बाय सारा लॉरेंस, उसको आप देख सकते हैं, कंप्यूटर IGCSE कंप्यूटर साइंस बाय सारा लॉरेंस, उसको आप देख लेंगे। और दूसरी जो हमारे पास बुक है जो मोस्ट कॉमन यूज़ हो रही है वो IGCSE कंप्यूटर साइंस बाय डेविड वॉटसन है। तो इन दो बुक्स की मदद से यू कैन कवर द सिलेबस। आई मस्ट रिकमेंड कि दोनों बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। सारा लॉरेंस के अंदर द थ्योरी इज़ इन डेप्थ, कभी कभी जो क्वेश्चन आता है वो उस बुक को रेफर करते हुए आ रहा होता है। और जो है डेविड वॉटसन जो आप पढ़ रहे हैं नॉर्मली, या उसको भी रिकमेंड किया गया है, ज़्यादातर स्कूल में डेविड वॉटसन पढ़ाई जाती है। तो IGCSE कंप्यूटर साइंस की दोनों बुक्स जो हैं हमारे सिलेबस को कवर करेंगे, तो दोनों बुक्स को फॉलो करना कंपलसरी है, ठीक है। अब मैं आपको पेपर टू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि पेपर टू के अंदर आप क्या देखेंगे। P2 इट्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने देख लिया, तो इसका जो मेन कंटेंट है वो क्या है, एल्गोरिथम डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें आप सूडो कोड देखेंगे, जिसमें आप फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें आप टॉप डाउन डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेपर पेपर टू। देन प्रोग्रामिंग को आप देखेंगे, और इसके बाद जो है वो डेटाबेसेस को आप टच करेंगे। तो ये इस तरह से ये मैंने ब्रॉड कैटेगरी में आपको बताया कि व्हाट टॉपिक्स आर देयर विच यू आर गोइंग टू कवर इन योर सिलेबस। अच्छा, प्रोग्रामिंग के लिए देयर इज़ नो स्पेसिफिक लैंग्वेज विच इज़ रिकमेंडेड,
सो वॉट जो भी लैंग्वेज आपके स्कूल में या आप फॉलो करें, दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जी सी एस ई और आई जी सी एस सी कंप्यूटर साइंस. तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक इंशाल्लाह इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो फॉर टुडे यहाँ तक काफ़ी है, जिसमें आपको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन समझा दिया दैट वॉट इज कंप्यूटर साइंस 2210 ऑल अबाउट. So thank you very much for watching my video.